नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका हमारे चैनल रेखा प्रहलाद पहाड़ी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के सुंदर से शहर देहरादून शहर से। और अभी मैं मॉर्निंग के टाइम पर गार्डन में आई हूँ, यहाँ पर प्लांटों को पानी देना था तो पानी दे दिया है। और मेरे टमाटर के जो प्लांट है आपको बैक में दिख रहा होगा, तो इसमें पहले टमाटर लगे हुए थे, कच्चे थे, तो आजकल पक गए हैं, तो इसको आज हार्वेस्टिंग कर रही हूँ टमाटर की। तो देखते हैं कितने टमाटर निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है मेरा पुराना टमाटर का पौधा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये और इसमें छोटे छोटे से टमाटर लगते हैं। तो ये पहले बहुत सारे थे तो मैंने उखाड़ दिए थे, क्योंकि काफ़ी झाड़ बन जाता है इससे। और एक ही यहाँ पर है, ये थोड़ा सा मुरझा गया पर लेकिन ठीक है। और ये वाले तो न्यू प्लांट लगा रखे हैं मैंने ये ग्रो बैग में, तो इसमें अभी फूल लगे हुए हैं, इनमें अभी टमाटर नहीं आए हैं। जैसे कि इनमें ये अभी हरे हैं तो ये अभी तो निकालेंगे नहीं, तो रेड वाले हैं, यहाँ अंदर की साइड है रेड वाले, तो अंदर से निकालती हूँ इनको। यहाँ नीचे की साइड भी है काफ़ी सारे, तो आज देख सकते हैं आप लोग कि ये मूली कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी सारी हो गई है और बहुत ही ग्रीनरी ग्रीन हो रखे हैं। और इनकी जड़ें देखती हूँ, अभी एक हफ्ते पहले छोटे ही थे जड़ और अभी ये इतना सारा हो गया, इतना बड़े ये। और ये है हमारा कॉलोनी का स्ट्रीट डॉग, इसका नाम मटरू है और ये भौंक रहा। मटरू उधर चलो, चलो उधर चलो, गार्डन से बाहर चलो। तो ये भौंक रहा है, अभी बाहर कोई आया था। नो, जाओ जाओ बाहर, जाओ उधर, जाओ जाओ गार्डन में नहीं। तो हमारे जो कॉलोनी में है दो डॉग हैं और सामने कोठी में दो डॉग हैं, तो ये उनके लिए वो कर रहा, भौंक रहा है कि तो ऊपर खड़ा है और इसके साथ ही नहीं आया अभी, और ये आ रहा है यहाँ मेरे पास। तो ये तो दिखा दिया आपको मूली, क्योंकि आजकल तो काफ़ी घना हो गया है और मेरे पास तो वैसे भी मूली है, मम्मी लोग लाए थे, तो इसको खाने का टाइम नहीं लग रहा है इन पत्तों को, कुछ दिनों बाद ट्राई करेंगे। और अमरूद का मैंने पूरा कटिंग करी थी, क्योंकि इसके पत्ते पूरे कीड़े लग गए थे, तो अभी देखिए नए खोपले आ चुके हैं इनमें और ये कुत्तों की आवाज़ से वीडियो में आवाज़ आ ही नहीं रही। तो ये देखिए इसमें अमरूद काफ़ी लगते हैं, इस बार भी लगे हुए थे इसमें 4-5 जो हमने खाए हैं, और वैसे और बहुत सारे 10-15 अमरूद में कीड़े लग गए थे बरसात के टाइम पे, तो वो हमने नहीं खाए, वो फेंक दिए। जो बाद के अमरूद हुए थे वो 4-5 बहुत ही टेस्टी और मीठे वाले। और अभी पानी दे दिया है बगीचे में, और अभी खास कुछ है नहीं बगीचे में, सारा मिक्स हो रहा है। और इधर की साइड ये नींबू में भी अभी तक फूल ही है, अभी इसमें नींबू के वो नहीं लगे हैं, जो नींबू होते हैं अभी स्टार्टिंग में फूल ही हैं, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कितना नींबू लगते हैं। जैसे फ्लावर इतने सारे हैं तो इसमें इतने नींबू नहीं लगेंगे, कुछ फ्लावर झड़ जाएंगे और उसमें से जितना बचेंगे उतने इसमें नींबू लगेंगे। और ये गाजर पता नहीं क्या हो गया, गाजर पूरा खराब हो चुका है, गाजर इसमें कुछ लग गया, कीड़ा लग गया। अभी तक एक हफ्ते पहले इतना सही था ये बिल्ली कुत्ते ये आते हैं ना इधर से, क्योंकि पड़ोसियों का जो बाउंड्री वॉल है छोटा है, तो ये यहाँ पे गमले गुमले सारे गिरा के चले जाते हैं और पूरा यहाँ मस्ती करते हैं। जो ये मटरू दिखाया था ये भी यहाँ टाप के आ जाता है और गार्डन में पूरा मिट्टी गमले सारे फेंक देते हैं ये जानवर रात के टाइम पे। तो
तो दोस्तों आपको गार्डन का तो व्यू दिखा दिया है, गार्डन में आजकल क्या क्या चल रहा है और अब तो फूल खिलने वाले हैं, बसंत आने वाला है और पत्तियाँ, नई नई पत्तियाँ आने वाली हैं। और अब चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए तो बना चुकी थी मैं और अब अपने लिए बनाती हूँ। दोस्तों ये टमाटर निकले, इतने सारे टमाटर, एक पाव टमाटर तो है ये, तो ये तो दो सब्जी के लिए हो जाएगा क्योंकि ये टमाटर काफ़ी खट्टे होते हैं और चटनी तो इसकी बहुत टेस्टी बनती है इन टमाटरों की। तो ये काफ़ी टाइम से हरे थे तो थोड़ा थोड़ा पकने लगे, तो आजकल काफ़ी पक गए हैं और अभी हरे काफ़ी हैं, अब उनको भी पकने में, क्योंकि अब गर्मी शुरू होने वाली है तो अब फिर टमाटर जल्दी जल्दी पकेंगे, तब तो हम एक के बाद एक खा नहीं पाते हैं, इतने टमाटर हो जाते हैं। और चलिए फिर मॉर्निंग के अभी 10 बज चुके हैं और मौसम आज बिल्कुल ख़राब है और ये देखिए फरवरी लास्ट हो गया है आज और देहरादून में फिर से ठंड बढ़ गई है पूरे उत्तराखंड में, जैसे जैसे गर्मी आनी थी वैसे वैसे ठंड बढ़ चुकी है और फिर से लोगों ने स्वेटर निकाल दिया। वैसे तो स्वेटर निकली हुई थी पर जैकेट जो था कि वो लोगों ने बंद कर दिया था, बीच में गर्मी होने लगी थी फिर से, फिर ठंडा हो गया। पहाड़ों में बर्फ़ पड़ चुकी है, पिछले हफ्ते भी पड़ी हुई थी और आज फिर बूंदाबांदी हो रही हल्की हल्की सी, तो दिन तक मुझे लगता है कि बारिश आएगी, अभी थोड़ी थोड़ी सी बूंदें पड़ रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं वो मग्गे में ज़्यादा दिख नहीं रहा था, वो नीचे लग रहा था, तो इतने सारे चेरी टमाटर हुए हैं मेरे पिछले साल के प्लांटों से और ये इजीली ग्रो हो जाते हैं, जैसे इसका एक भी टमाटर नीचे गिर गया सड़के तो ये बहुत सारे बेबी प्लांट हो जाते हैं और फिर अपने आप ही ये ग्रो करने लग जाते हैं और इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और वैसे ये बड़े टमाटरों से भी टेस्टी होता है, जैसे गांव में ये काफ़ी होते थे पहले तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन अब ये ज़्यादातर लोग चेरी टमाटर जैसे सैलेड के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसे खा लेते हैं, इसको साबुत ही खा लेते हैं, कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और चटनी तो आपको पहले ही बताया था कितनी टेस्टी होती है, तो ये एक पाव से तो ऊपर ही है, इसमें रख के अभी काफ़ी लग रहा है और मग्गे में पता नहीं चल रहा था, तो सुबह सुबह आज मैंने टमाटर तोड़ के ले आई हूँ अपने गार्डन से। तो दोस्तों मैंने सुबह में चने और आलू की सब्जी बना दी थी, सिर्फ अब रोटी बनानी है अपने लिए और बच्चों ने तो खा लिया है और अब मैं रह रही हूँ, तो गरम गरम रोटी बनाते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने एक हफ्ते पहले बनाई थी और मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि वीडियो की एंडिंग नहीं कर रखी है मैंने, तो आज मैं इस वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।